अगर इन भाई साहब का चाय का ठेला इतना बड़े चल रहा है तो इनको यूट्यूब पे आने की क्या जरूरत पड़ेगी भाई। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। अगर बढ़िया नहीं है तो वीडियो देख के बढ़िया जरूर हो जाओगे। लेकिन आज मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी चाय पी लेते हैं। ओए छोटू, चाय लेकर आ। ये लो सर। अब तुम्हारा भाई फुली चार्ज हो गया है। अब बताता हूँ मैं, रोस्ट किसे कहते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई आपने चाय बेचने वाले तो बड़े देखे होंगे, लेकिन कोई पढ़ा लिखा चाय बेचने वाला नहीं देखा होगा। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, MBA चाय वाला। मुझे ये नाम सुन के मुझे भी हैरानी हुई थी भाई कि MBA करके कौन चाय बेचता है। लेकिन मुझे तो लगता है भाई ने MBA करी नहीं है। प्रफुल्ल भाई MBA करने गया होगा कॉलेज में, वहाँ पे हॉस्टल में कुछ दोस्तों ने इसको तारीफ कर दी होगी कि तू चाय बड़ी बढ़िया बनाता है, तो इसने सोचा पढ़ लिख के क्या करना है भाई, चाय का ठेला ही खोल लेते हैं। और वैसे भी भाई का जब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं बढ़िया आया होगा MBA वाला, तो वहीं से कॉलेज ड्रॉप लेके भाई ने MBA का ठेला खोल दिया। हाँ भाई, ये सच्ची कहानी है। अगर भाई ने MBA करी होती तो किसी बढ़िया कंपनी में जॉब ना कर रहा होता। लेकिन भाई ने चाय का ठेला खोल तो लिया था, लेकिन इतना कुछ खास चला नहीं, तभी तो यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है अब ये। देख लो गाइस, इतनी तो ये दिन में चाय नहीं बनाता होगा जितनी ये वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाल देता है। और सॉरी, वीडियोस नहीं शॉर्ट्स, इनकी भी तो लगी कैटेगरी होती है। लेकिन अब प्रफुल भाई ने चाय छोड़ के ज्ञान बेचना शुरू कर दिया। अब भाई बन गया मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि भाई को चाहिए फुल इज्जत, इसलिए भाई ने मोटिवेशनल स्पीकिंग स्टार्ट कर दी है, जिसके भाई ने यूट्यूब पे शॉर्ट डालना शुरू कर दिया है। और वही वीडियो उठा के ये रील भी डाल देते हैं इंस्टाग्राम पे, तभी तो डबल पैसा आएगा। वैसे भी आजकल रील्स और शॉर्ट्स पे और कुछ चल भी कहाँ रहा है, ये मुजरा चल रहा है या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स। लेकिन इसकी ये मोटिवेशनल वीडियोस कुछ ज़्यादा ही हद पार कर गई, इसलिए तो पूरी यूट्यूब कम्युनिटी इसके खिलाफ रोस्ट बना रही है। अब तो हम प्रफुल्ल को रोस्ट कर करके इतना डीमोटिवेट कर देंगे कि इसने भी कभी सोची ना होगी। अगर आप थोड़े स्ट्रेस में हो, स्ट्रगल कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, ट्राई टू वॉक। जब मेरे शुरुआती दिनों में मैं स्ट्रगल कर रहा था, डिप्रेशन में था। अरे वाह भाई, मुझे तो आज पता चला कि वॉक करने से स्ट्रेस भी कम होता है। मुझे तो आज तक लगता था कि वॉक करने से वेट ही कम होता है। ऐसी थोड़ी प्रफुल्ल भाई को ज्ञानी बाबा कहते हैं। लेकिन भाई, कहीं आप इसकी बातों को सच में सीरियस मत ले लेना। अगर आपको कोई स्ट्रेस है ना, या फिर आप किसी में कंफ्यूज हो रहे हो, तो किसी समझदार बंदे से राय ले लो। फिर कहीं प्रफुल्ल को गाली देते फिरो कि वॉक करने से मेरा स्ट्रेस तो कम हुआ नहीं, लेकिन मेरा 2 किलो वजन जरूर कम हो गया। और तो और भाई साहब चाय और मोटिवेशन के साथ साथ और भी कहीं साइड बिजनेस चलाते हैं। दोस्त चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, कमेंट्स में लिखो। हाँ भाई, 1-2 गर्लफ्रेंड इधर भी भेज दो, बड़ा टाइम से सिंगल घूम रहा हूँ यार। भाई मेरी बात मानो ना, तो अपना चाय का ठेला ही संभाल लो, क्यों फालतू में संदीप महेश्वरी बन रहे हो? खुद से तो MBA क्लियर हुई नहीं, और औरों को टिप्स दे रहे हो बड़े बड़े बिजनेसमैन बनने की। वाह बेटे वाह। और तुम्हारी सारी टिप्स इतनी बेहुदा होती है ना, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इनको फॉलो भी कौन करता है। स्टेबल इनकम वाली जॉब के लिए मेरे पास 1 या 2 आंसर। जब तक आपके घर में सोने की जगह है और आपको दाल रोटी मिल रही, इससे नीचे तो नहीं जाओगे। जब तक इससे नीचे ना जाओ, रिस्क लेते हो। हाँ भाई, इससे नीचे अब कहाँ ही जाओगे? अगर खाने को रोटी नहीं मिलेगी तो उसके नीचे कहाँ ही जाएंगे भाई हम? अब अंडरग्राउंड हो जाएंगे क्या? मान लिया भाई कि रिस्क है तो इश्क है, लेकिन कभी कभी इश्क भी जानलेवा हो जाता है। मेरे हिसाब से अगर आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, तो उनकी विरासत में आपका कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन हमारे माँ बाप तो कहते हैं कि जो भी हमारा है वो सब तुम्हारा है। अब तुम्हारे हिसाब से चले या उनकी बात मानने? वो तो कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं या जो भी कमा रहे हैं वो सब अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, और अगर तुम्हारे हिसाब से चले तो भाई हमारा तो कुछ भी नहीं है। और जो अपने किसान भाई हैं वो कहाँ जाएंगे भाई, जिनके पास इतनी 1 एकड़ ज़मीन है, जिनको सारी ज़मीन विरासत में मिली होती है। अगर वो सब कुछ बेच के जीरो से स्टार्ट करें तुम्हारे कहने के मुताबिक, फिर तो वो यही करते रह जाएंगे, खेती कब करेंगे फिर? भाई कुछ तो सोच समझ के बोल लिया करो, तुम तो बस आंखें बंद करके ज्ञान पेलना शुरू कर देते हो। लेकिन फिर भी प्रफुल्ल की इतनी फैन फॉलोइंग हो रखी है ना, मुझे तो खुद समझ में नहीं आता कि इतनी ज्ञान की बातें लाता कहाँ से यार। लेकिन जब मैंने इसकी कुंडली खोली ना, तब मुझे पता चला ये तो भाई बुक्स पढ़ता है, ये जो बुक्स में पढ़ता है उसी पे अगले दिन वीडियो बना देता है। और हम सोचते हैं कि पता नहीं कितने बड़ा ज्ञानी बाबा है। भले खरीद के ले आओ, मत पढ़ना, पर रखो, किसी दिन रात में फ्रस्ट्रेशन होगा, कोई लड़की मैसेज का रिप्लाई नहीं देगी तो वो छोड़ के ब्लॉक करके किताबों पे चले जाओगे तुम, पर किताबें नहीं होगी तो क्या करोगे? तो रील बना लेंगे ना यार। अब भाई किताबें तो बंदा और किसी टाइम भी पढ़ सकता है ना, अब जरूरी थोड़ी है कि बंदा रात को लड़की को मैसेज कर रहा हो, अगर लड़की रिप्लाई ना दे तो दूसरी लड़की को रिप्लाई कर देगा। बुक उठाने क्यों जाएगा यार? अगर लड़की से बात करने का मन कर रहा है उसका, तो वो क्यों बुक उठाएगा? अरे प्रफुल्ल भाई, तुम तो मोटिवेशनल स्पीकर, तुम बुक्स पढ़ो, तुम बुक्स पढ़ के उसमें से जो ज्ञान मिलता है उसको, उसके ऊपर वीडियोज़ बनाओ। अगर तुम सभी को वीडियो बुक्स पढ़ने लगा दोगे, तुम्हारी वीडियोज़ कौन देखेगा यार?
अगर सभी लोग तुम्हारी बात मान के बुक्स पढ़ने लगे ना तो सभी समझदार हो जाएंगे, तो तुम्हारी तो ऑडियंस कम हो जाएगी यार। लेकिन एक बात मुझे पता है कि भाई ने कुछ ना कुछ बड़ा जरूर सोच रखा है, अगर वीडियो चलनी बंद हो भी गई ना तो कुछ ना कुछ और तो कर ही लेगा। चीफ मिनिस्टर बनना है तो आपका दिमाग में आप चीफ मिनिस्टर पहले ही बन जाते हो, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आपके दिमाग में आप पहले बन जाते हो। एक्चुअल देख लिया भाई, इसने तो पहले ही सोच रखा है कि चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कुछ तो बन ही जाएगा। इसने सोचा अगर मोदी जी चाय बेच के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं तो ये भी तो बन ही सकता है कुछ ना कुछ। सोचा तो सोचा, भाई ने तो पूरी तैयारी भी कर रखी है, हाल ही में योगी जी से मीटिंग भी करके आए हैं। मुझे तो लगता है इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ही ली होगी, वैसे भी जनता की सपोर्ट तो है ही प्रबल को। देख लो भाई, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की पूरी तैयारी है, वैसे भी इतनी जनता देख के कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है। चलो कोई ना भाई, एमएलए एमसी कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे, मेरी तरफ से भी तुम्हें फुल सपोर्ट है। एटलीस्ट उसके बाद तुम्हारी ये घटिया मोटिवेशनल स्पीचेस तो नहीं सुननी पड़ेंगी। हाउ टू डील विद बैड डेज, पहली चीज़ रिलैक्स योर माइंड, बी काम, बी कूल। सेकंड, ये टेम्पररी सिचुएशन है, वो बोलते हैं ना गीता में भी कि दिस टू शैल पास, ये भी बीत जाएगा, अच्छा हो या बुरा, तो बुरा भी बीत जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तीसरी चीज़ ये कि कल जो आने वाला है, जो आने वाला समय है, कल है परसों, वो बेहतर होगा ऑब्वियसली, इस सिचुएशन से ज़्यादा अच्छी सिचुएशन होगी, क्योंकि जब अगर रात होती है तो दिन ऑब्वियसली आता है। अरे ये बात तो मुझे ही पता है कि अगर आज रात है तो कल को दिन भी होगा, ऐसे तो हम भी मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। वैसे भाई तुम्हारा अच्छा है, पूरी दुनिया को पागल बना रखा है तुम तो भाई, मोटिवेशन के नाम पे अपने चाय वाले की फ्रेंचाइजी बेच रहे हो, चाय तो तुम्हारी बिकती नहीं है, सारा दिन इंस्टाग्राम यूट्यूब पे वीडियो बनाते रहते हो। अगर तुम सच में हम लोगों के बारे में इतनी सोचते हो ना तो मोटिवेशन देनी छोड़ो यार, तुम्हारे चाय के इतने ठेले हैं, इससे अच्छा तो उन ठेलों पे किसी को जॉब ही दे दो। अरे वाह भाई, ये हुई ना बात। अगर आप नौकरी भी कर रहे हो तो सोचो ना MD CEO बनने की, आप सोचो ना VP बनने की, आप सोचो। अरे वाह भाई, मैंने भी सोच लिया कि CEO तो मैं भी बन के ही रहूंगा। अब MBA चाय वाले ने जॉब तो दे ही देनी उसकी कंपनी में, थोड़े टाइम में उसकी कंपनी का CEO भी बन जाएंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। वैसे भी प्रबल भाई का मोटिवेशन स्पीकिंग वाला धंधा बढ़िया चल रहा है, नहीं तो कोई और धंधा खोल लेंगे, भाई ने खुद ही कहा कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। छोटे छोटे इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो शायद एक सरकारी या प्राइवेट नौकरी वालों से ज्यादा कमाते होंगे। They all are entrepreneur. He is an entrepreneur. He is creating something. He is selling something. He is an entrepreneur. He runs a company. They all are individual entrepreneurs doing. हाँ भाई मान ले कि सभी एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन ये तो तुम गलत चीज़ों के लिए इंस्पायर कर रहे हो ना लोगों को, कल को तो लोग यही काम करना शुरू कर देंगे। तुम्हारी ऐसी बातें सुन के ना बच्चों ने पढ़ना बंद कर देना, उन्होंने कहा ना कि प्रबुल भाई ने कहा था सरकारी नौकरी वाले भी इतने नहीं कमाते जितना मैं चाय बेच के कमा लेते। प्रबुल भाई मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम्हारी चाय बढ़िया बिक रही है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी का भी धंधा बढ़िया चल जाएगा, वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारा धंधा चल गया। और ये किताबें पढ़ के भी ना ज्ञान फैलना बंद कर दो, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई मोटिवेट होता भी होगा। लेकिन मैं वो प्रफुल से बात कर रहा था, वो MBA चाय वाला, उसने बड़ा सही चीज बोला मनीष भैया, अभी तक हम लोग वही बात करते थे, हम सोने की चिड़िया थे, हम ये थे, हमारी कंट्री बेस्ट थी, हमारे सबसे ज्यादा वेल्थ था, अरे बनाओ वापस यार, लेट्स एटलीस्ट डाई ट्राइंग। अरे यार ये बंदा तो प्रफुल की मोटिवेशन को सीरियस ही ले गया। भाई मैं तो तुम्हें कहूँगा पहले जाके ना अपने दाढ़ी बाल कटवा लो, पहले इंसान जैसे तो बनो, बाद में कुछ और ट्राई कर लेना। और प्रबुल की बातों को सीरियस लेना छोड़ दो भाई, ये सब ना इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब वीडियोस में बोलने में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। पता नहीं कितने लोडर ने प्रबुल की मोटिवेशन सुन के ना पढ़ना छोड़ दिया होगा और दुकान खोल ली होगी, पापा को कहता होगा कि पापा पढ़ के क्या बनेगा, इससे अच्छा मैं एक ठेला खोल लेता हूँ, प्रबुल भाई तो एंटरप्रेन्योर बन ही गए हैं। अगर आपको ये नहीं पता ना लाइफ में बनना क्या है तो एटलीस्ट ये पता कर लो कि क्या नहीं बनना है। हाँ भाई आज की वीडियो के बाद ना मुझे एक बात तो पता चल गई कि प्रबुल तो मुझे कतई नहीं बनना। मैं अपने दिमाग को इतना छोटा नहीं करना चाहता कि हर एक वीडियो पे मैं सेम ही टाइटल लगाता चलूं। देख लो भाई, होल्ड द विजन ट्रस्ट द प्रोसेस, होल्ड द विजन ट्रस्ट द प्रोसेस, एक ही टाइटल लिख रखा है इसने, हजारों वीडियोस पे एक ही टाइटल चल रहा है इसका। भाई इतना किताबें पढ़ते हो उसमें से कोई और टाइटल ढूंढ लेते हैं ना, नहीं तो गूगल ही कर लेते, उस पर भी अच्छे कोर्स मिल जाते हैं। अरे यार ये वीडियो बनाते बनाते मैंने प्रफुल की बहुत वीडियोस देख ली, उसके बाद मैं खुद इतना मोटिवेट हो गया कि मैंने 7 दिन तो इसकी वीडियो को हाथ तक नहीं लगाया, नहीं तो ये वीडियो 15 दिन पहले आ जाती। लेकिन फिर मुझे प्रबुल के हाथ की चाय भी नहीं पड़ी, फिर मैं फिर चार्ज हो गया और मैंने वीडियो 2 दिन में खींच डाली। प्रबुल भाई एक बात तो है, चाय तुम बढ़िया बनाते हो, तुम लोगों को पागल बनना छोड़ो, अपना चाय बना लिया करो। और पब्लिक से मैं यही कहूँगा, इसकी वीडियो देख के आपका कुछ नहीं होने वाला, इससे अच्छा मेरी वीडियो देख लिया करो, तो आपको थोड़ी बहुत ही एंटरटेनमेंट तो मिलेगी।
और वीडियो को दबा के शेयर किया करो और अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। कम से कम मैं तो मोटिवेट फील करूँ यार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे और भी बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना।